त्रिवेंद्र सिंह के साथ नजदीकी होना भाजपा के अंदर अपराध माना गया है। और फिर जिस तरीके से उनके लोगों को टिकट काटे गए, इसकी मरहम हमारे मुख्यमंत्री के पास नहीं है। आपने 3.5 साल से ज्यादा मुख्यमंत्री रखा, ये तक किसी ने नहीं बताया कि भाई इनको हटाए गए। कांग्रेस के कद्दावर नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री की समय समय पर दुखती नस दबाते नजर आते हैं। एक बार फिर हरीश रावत की कमान से तंज के तीखे तीर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जा लगे हैं। सीएम धामी तो कहां पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मिलकर पुराने गिले शिकवे मिटाने की जद्दोजहद में लगे थे, और कहां हरीश रावत ने उसी त्रिवेंद्र सिंह रावत के अपमान का आरोप भाजपा और धामी के सिर मढ़ दिया। हरदा का सियासी तजुर्बा उनके किसी बयान को बेमायने मानने ही नहीं देता, इसलिए भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर जब उनका भरी मीडिया में दर्द छलका तो स्वाभाविक तौर पर सियासी मायने निकाले जाने लगे। आप भी सुनिए त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर क्या बोले हरीश रावत। जिनको 4.25 साल आपने 3.5 साल से ज्यादा मुख्यमंत्री रखा, ये तक किसी ने नहीं बताया कि भाई इनको हटाए क्यों। और फिर जिस तरीके से उनके लोगों को टिकट काटे गए, मतलब त्रिवेंद्र सिंह के साथ नजदीकी होना भाजपा के अंदर अपराध माना गया, तो मैं समझता हूँ ये घाव ऐसा नहीं है जो रहेगा, इसकी मरहम हमारे मुख्यमंत्री के पास नहीं है। हरीश रावत के इस एक बयान से सीएम धामी असहज महसूस कर सकते हैं। अब भला जो भाजपा भीतरघात के जाल में उलझी हुई है, उस पर उसके ही बनाए मुख्यमंत्री के अपमान का आरोप लग जाए तो पार्टी के लिए ये किसी नई आफत को मिला आमंत्रण हो सकता है। वो भी तब जब अभी कुछ दिनों पहले ही सूबे के मुख्यमंत्री अचानक ही पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के घर उनसे मिलने पहुंच गए थे। कयास लगाई गई थी कि भाजपा ने पहले तो त्रिवेंद्र रावत को दरकिनार किया, और जब पार्टी के अंदर बगावती तेवर दिखे तो उन्हें उनके आवाज साधने पहुंच गए। जानकारों की माने तो चुनाव परिणाम आने से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी का अपने सबसे अनुभवी नेता से मुलाकात करना रणनीति थी। त्रिवेंद्र रावत उत्तराखंड की राजनीति का एक बड़ा नाम है, लेकिन भाजपा ने उन्हें इस विश्व चुनावों में साइडलाइन रखा, इसलिए भीतरघात के मुद्दे पर नई दिल्ली तलब किए जाने के बाद जब वो वापस लौटे तो माना गया कि उनकी मंशा पार्टी की एकजुटता को किसी भी तरह बनाए रखने की थी, जिसकी शुरुआत उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री को साथ कर की। हरदा को इन मंसूबों की भनक थी, सो भुना डाला उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत को बीच कार्यकाल से हटाए जाने के मुद्दे को। हालांकि ये सिर्फ अटकलें हैं, लेकिन अगर सच है और तीर निशाने पर लगा तो त्रिवेंद्र सिंह रावत की दुखती नस दुखाना भाजपा के लिए कष्टदायी हो सकता है। उधर इस मामले में चर्चा के केंद्र त्रिवेंद्र तो अनजान बनते दिखे। इस पूरे मुद्दे पर जब त्रिवेंद्र सिंह रावत से उनकी राय मांगी गई तो वो कुछ भी कहने से बचते दिखे। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि अभी मेरी जानकारी में हरीश रावत का बयान नहीं आया है, लेकिन इस बीच उन्होंने एक बार फिर हरदा को बड़े भाई बोलकर संबोधित किया। आपको याद दिला दें, इससे पहले भी दोनों नेताओं की नजदीकी ने उत्तराखंड की राजनीति में कई अटकलें बटोरी थी। चुनावों से पहले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत त्रिवेंद्र सिंह रावत से मिलने पहुंच गए थे, तब की और अब की स्थिति एक जैसी है। उस दौरान भाजपा की बैठकों में पूर्व दायित्वधारियों और जनप्रतिनिधियों की नाराजगी सामने आई थी। पार्टी में कई बड़े और छोटे नेता थे जो संगठन और सरकार में जिम्मेदारी न मिलने से नाराज थे। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी सीएम पद छोड़ने के दौरान नाराजगी जाहिर की थी। इस दफा भी भाजपा के भीतर अंतर्कलह स्पष्ट है, और त्रिवेंद्र को चुनावों में दरकिनार करना अपने आप में मुद्दा, तो मुमकिन है कि हरीश रावत के दिल में त्रिवेंद्र को लेकर उठा ये दर्द गृह युद्ध को और गहरा करने के इरादे से हो। वजह जो भी हो, लेकिन ये तय है कि हरदा अगर दुखी थे तो उनसे ज्यादा दुखी दो और लोग रहे होंगे, एक पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और दूसरे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।